एक और विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च से जनता कर्फ्यू व लॉकडाउन ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और आम जनता कर्ज के बोझ के तले दब गया है और बेरोजगार होकर घर पर बैठा है, जिसके चलते घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसी बेरोजगारी से परेशान नगर सेवा ऑटो चालकों ने मांग की है और बताया है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही हमारा काम बंद है। पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया था लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद आज जिला कलेक्टर को वापस ज्ञापन दिया गया है, जहां मजदूरी करने वाले किसान व आमजन के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार ने इन सभी बातों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा है, जिसमें नगर सेवा ऑटो चालकों द्वारा शहर में नगर सेवा ऑटो रिक्शा चलाने की स्वीकृति देने की मांग भी की गई है। हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, पहले भी दो बार दे चुके हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहेंगे, हमें कम से कम परमिशन दी जाए और हम बहुत परेशान हो चुके हैं। 3 महीने से सब मार्केट खुल चुका है और हमारे को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए हम महोदय साहब से यही निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम ये अनुमति दी जाए। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और कम से कम अनुमति दी जाए, जिस ये कहेंगे उस हिसाब से हम नियमानुसार चलाएँगे। बाज़ार पूरा खुल चुका है और हमें अनुमति दी जाए, सारे अस्पताल खुल गए, सवारी भी बहुत परेशान हो रही है मार्केट में आने जाने वाले, CRP की सवारी है, बाज़ार की है, मार्केट में काम धंधे वाले आने लगे, पैदल चलने वाले भी बहुत परेशान है। और हमने कितनी बार सवारियों ने कहा है कि भैया टेम्पो चलाया जाए, तो हमने कहा आज हम जा रहे हैं कलेक्टर साहब के पास और आज हम परमिशन ही लेके आएंगे। 80-90 नगर सेवा है नगर में, इसलिए आप अनुमति दी जाए। जी बोलिए। हमारी मांग है कि 3 महीने से हम लोग घर बैठे हुए हैं, अब लगभग सभी व्यवसाय जबकि शहर के खुल चुके हैं, तो हमारे कोई मतलब ऑटो रिक्शा टेम्पो नगर सेवा संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि अभी क्या है हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब 3 महीने से हमारा घर परिवार का खर्च किस तरह चला रहे हैं ये हम ही जानते हैं। अब तो क्या है बाज़ार से उधार मिलना भी बंद हो गया है। ये हम दूसरी बार आए हैं, दूसरी बार हमने आवेदन दिया है यहाँ पर, पिछली बार भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, न यहाँ कोई सुनवाई हो पा रही है हमारी, न कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी हमारी सुनवाई कर रहा है। हमारी सभी से यही निवेदन है कि भैया हमारा कम से कम गाड़ी चलाने की परमिशन तो दी जाए ताकि हम अपना घर परिवार चला सकें। इसलिए आए थे ताकि हमें को परमिशन मिल जाए, क्योंकि हमारे घर बाहर सब परेशान हो चुके हैं, हमारे पास जो था हम खा चुके हैं सब, अब कुछ नहीं बचा, स्कूल की फीस है, बच्चों की पढ़ाई है, सब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय से कि हमें आवेदन दे जाए, कुछ बोल परमिशन दी जाए चल चल, ताकि हम जिस वो निकालेंगे रूट पे कि हाँ हमें इस आपसे सवारी चलानी है या कुछ चलना। हम तो 5 रुपये में वैसे ही चलते आ रहे हैं, हमें कम से कम 10-20 साल हो गए 5-5 रुपये में गाड़ी चलाते हुए यहाँ पर। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।